जी दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं टुलिप गार्डन। आज हम आप लोगों को लेके जाएंगे टुलिप गार्डन, दिखाएंगे टुलिप गार्डन का। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इस गार्डन को। और सुबह का टाइम है, अप्रैल के महीने में ये गार्डन ओपन होता है और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। एडल्ट्स की टिकट है, टिकट आपको पड़ेगी 60 रुपीज़ और 25 साल के नीचे की आपको पड़ेगी 30 रुपया। और ये गार्डन यहाँ से एंट्री है इसकी, काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आए हुए हैं दोस्तों। तो हम आपको दिखाएंगे टुलिप गार्डन। देखिए आप, ये जो गार्डन है दोस्तों, ये 74 एकड़स की इसकी जो फैला हुआ है, ये 74 एकड़स में फैला हुआ है ये गार्डन। और इसके अंदर आपको वाईफाई भी फ्री मिलेगा। 1.5 मिलियन टुलिप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। चेरी गार्डन भी है दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर सारा डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है यहाँ पर उनकी। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, यहाँ पे 60 गार्डनर्स हैं जिन्होंने लुक आफ्टर किया है इसको, पूरा तैयार किया है इस गार्डन को। और देखिए, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। हर किस्म का टुलिप आपको यहाँ मिलेगा। एशिया का सुनने में आया कि ये सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है श्रीनगर में, सिराज बाग में है ये, इंदिरा गांधी के नाम से है ये। और 2007 में इस गार्डन की ओपनिंग गुलाम नबी आज़ाद, जो हमारे CM थे, उन्होंने की। काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आए हैं कोरोना के बाद, ये भी ओपन हुआ है। और बहुत ही सुंदर और इतनी ज़्यादा खुशबू है यहाँ पर, हम आपको बता नहीं सकते। ये सारे लंबे लंबे जो आप लाइनें देख रहे हैं टुलिप्स की, हर किस्म का टुलिप आपको यहाँ पर मिलेगा। 2022 का जो डाटा है, 360,000 लोगों ने इस गार्डन में विजिट किया था इन टुलिप्स को देखने के लिए। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। और बाकी आप टुलिप गार्डन की अगर देखते हैं, एम्स्टरडैम में, नीदरलैंड में भी हैं, लेकिन जो ये हमारा है JNK का, श्रीनगर का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप भी यहाँ जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और मेरी फिर से आप लोगों से ये अपील है कि इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही रखें। आप पूरा दिन अपना यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आप आएँ अप्रैल के महीने में तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर पीछे माउंटेन्स हैं और हल्की हल्की ठंड है, अप्रैल का महीना है। और जब इस पर थोड़ी सी धूप पड़ती है तो ये फ्लावर्स इतने ज़्यादा शाइन करते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। बच्चे आए हुए हैं अपने फैमिलीज के साथ, काफ़ी ज़्यादा रश है। आप यहाँ पे फोटोग्राफर भी होंगे जो आपके फ़ोटो क्लिक करके आपको कॉपीज हैंड ओवर कर देंगे। पूरा कश्मीरी कल्चर है यहाँ पर, आप बैठ सकते हैं, कश्मीरी ड्रेसेस वाले हैं। देखिए, आप व्हील चेयर पर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल सा एरिया है। आप भी अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ घूम सकते हैं। बीच में पानी का काफ़ी ज़्यादा ये इन्होंने थोड़े से फुवारे से बनाए हुए हैं, तो यहाँ बैठ सकते हैं आप। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने इसको मेंटेन किया हुआ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों कि आपको इसको तैयार करना होता है बिल्कुल टाइम पे, क्योंकि पूरे देश से, हिंदुस्तान से लोग इस टुलिप गार्डन को देखने के लिए आते हैं। ये देखिए, आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं, आप बैठ सकते हैं। वाईफाई का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, ये सारा दोस्तों टुलिप लगा हुआ है यहाँ, लंबी लंबी लाइन। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा टुलिप ही दिखेगा आपको। आप भी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आएँ, घूमें। और जितना प्यार आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग्स को दिया, इस व्लॉग को भी दीजिए। और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, सरदार जी व्लॉग्स। और आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, जैसे आपने हमारे पुराने व्लॉगों को प्यार दिया। ये देखिए, इनके नाम लिखे हुए हैं कि बैठने के लिए उन्होंने छोटा सा बनाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया उससे, छोटा सा फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। ये पेड़ लगे हुए हैं, बिन्स भी हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये छोटे छोटे उन्होंने बनाए हैं, इसको पूरा कवर किया हुआ। ये देखिए, सबसे अच्छी बात देखिए, जहाँ भी आप जाते हैं इसको नीट एंड क्लीन रखें। अब इतनी पब्लिक यहाँ पर जा रही है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको नीट एंड क्लीन रखें। हर वैरायटी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ, कोविड है, एसओपीज़ को फॉलो कीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, क्योंकि पिछली बार ये बंद था।
तो अभी ये ओपन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने इसको ओपन किया, हम लोगों के लिए किया, तो हम लोग इसको बिल्कुल साफ़ रखें, नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है, ये हमारी भी ड्यूटी है। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इनको मेंटेन करने के लिए, हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर का, जिनकी टीम इस गार्डन को दिन रात देखती रही, क्योंकि काफ़ी ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। आप जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको टूलिप्स ही दिखेंगे, चेरी गार्डन भी है यहाँ पर, वो एलजी मनोज सिन्हा ने रिसेंटली 2021 में ओपन किया था, ये देखिए फैमिलीज आई हुई हैं अपनी, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिलेगा, बिल्कुल पीसफुल, शोर शराबा नहीं। तो आप यहाँ पर आएँ और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों, ये बाहर का रास्ता है, इंडियन आर्मी CISF सब यहाँ पर बैठी हुई है, बिल्कुल सेफ्टी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप हमें बताएं और आप ये ज़रूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरताज जी ब्लॉग्स, हमारा ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते हैं, थैंक यू।